गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की SST का जो हमारा थर्ड लेसन चल रहा है, फोर्थ लेसन चल रहा है, द दिल्ली सल्तनत, उसको जो हमारी जो चौथी डायनेस्टी है, फोर्थ डायनेस्टी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि तुगलक डायनेस्टी में जो 1398 में जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर ने इंडिया पे आक्रमण किया था 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। उस टाइम में जो दिल्ली का सल्तनत था, दिल्ली में जो रूलर रूल कर रहा था, वो जो तुगलक डायनेस्टी से जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, वो तुगलक वंश, जो तुगलक डायनेस्टी है हमारी, उसमें दिल्ली में रूल कर रहा था। लेकिन जब तैमूर ने जब आक्रमण किया दिल्ली पे, तो वो बहुत ही, मतलब ये कहेंगे कि तैमूर ने यहाँ अटैक किया दिल्ली में, तो वो उसको फेस नहीं कर पाया। कौन? जो हमारा जो नसरुद्दीन मोहम्मद जो उस टाइम में जो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहा था, वो उसको फेस नहीं कर पाया। वो बहुत ही वीक, जो वेरी वीक जो सल्तनत का जो रूलर हुआ, वो वेरी वीकली था, तो वीक हुआ था वो, अपनी कमजोरी के कारण उसको फेस नहीं कर पाया, मतलब उसको आक्रमण का सामना नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो तैमूर था, उसने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया और यहाँ पे लूटपाट की। तो उसके साथ साथ जो फिरजी खां था, उसके ऊपर उसने विश्वास करके, और जो दिल्ली का जितना, मतलब जो इंडिया में जितना भी तैमूर ने जो भी एरिया को जो उसने कवर किया था, अपने अंडर में लिया था, वो सारा एरिया था वो खिलजी खां को दे दिया उस पर रूल करने के लिए। तो खिलजी खां ने एक अलग से दिल्ली सल्तनत में एक न्यू डायनेस्टी की स्थापना की, जो न्यू डायनेस्टी का यहाँ पे न्यू डायनेस्टी चलाई। तो न्यू डायनेस्टी कौन सी थी? द सैयद डायनेस्टी। तो हम देखते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी है, वो उसके बाद एक उसकी जो तैमूर के आक्रमण के बाद उसकी, मतलब जो तुगलक जो वंश है, जो तुगलक डायनेस्टी है, उसका अंत हो गया था। और उसके बाद हमारे सामने एक नई डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी सामने आई। तो उसका जो पहला जो रूलर हुआ, वो हुआ था फिरजी खां सैयद, जिसने 1440 से और 1421 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। जो ये फिरजी खां था, वो जो तैमूर था उसका गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर ऑफ दीपालपुर, मतलब जो ये स्थान है, जो खिलजी खां था वो मुल्तान, लाहौर और जो दीपालपुर है, उसके जो आसपास का जितना भी क्षेत्र था, उसके ऊपर उसने रूल करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे उसने तुगलक डायनेस्टी का अंत करके वहाँ पे एक न्यू डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी, जो थी सैयद डायनेस्टी। और वो वहाँ पे रूल कर रहा था, जो फिरजी खां था वो सैयद डायनेस्टी के की स्थापना करके वहाँ पे रूल करने लगा। अगला आता है हमारा खिलजी खां सैयद के बाद आता है उसका बेटा मुबारक शाह सैयद। जो मुबारक शाह सैयद है, वह सन ऑफ द खिलजी खां का बेटा था, और इसके बाद वह रूल करने लगा। उसके मुबारक शाह के बाद आया एक महमूद शाह सैयद, वेरी पावरफुल सुल्तान ऑफ डायनेस्टी। जो ये महमूद शाह सैयद था, यह बहुत ही, मतलब इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा था। जो सैयद डायनेस्टी हुई है, केवल उसी का ही, मतलब और डायनेस्टी हम पूरी दिल्ली सल्तनत नहीं बोल सकते, केवल सैयद डायनेस्टी का पावरफुल जो सुल्तान हुआ, वो था महमूद शाह सैयद। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जो महमूद शाह सैयद का बेटा उसके बाद रूल करता है। अलाउद्दीन आलम शाह महमूद जो सैयद है, वो रूल करेगा। अलाउद्दीन शाह आलम वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो जो ये रूलर था, वो बहुत ही, मतलब इस डायनेस्टी का
सबसे लास्ट रूलर हुआ इस डायनेस्टी, ये इस डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी बोलते हैं वो रूलर हुआ। इसके बाद इस डायनेस्टी जो इसके बाद एक अलग से डायनेस्टी शुरू की बल्हाल लोधी ने, लोधी डायनेस्टी। तो इस जो ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो सईद डायनेस्टी है उसका अंत किसने किया, तो उसमें आएगा बहलोल लोधी ने इसका अंत किया था। और इसका जो सईद डायनेस्टी का जो अंतिम राजा हुआ था वो था अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जो सैयद वंश का जो सैयद डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी बोलते हैं जो सबसे लास्ट रूलर हुआ था इस पीरियड का वो ये था। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, जो हमारी जो डायनेस्टी है ये दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी में, आज हम 4 डायनेस्टी को पढ़ेंगे। इसमें केवल चार ही रूलर हुए थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे रूल किया। जो फर्स्ट रूलर हुआ था वो खिरज खान था, जिसने इस लोधी मतलब जिसने इस वंश की जो इसने इस डायनेस्टी की जिसने स्थापना की, जो इस डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इस कैब मतलब जो खिरज खान था उसको हम खिरज खान को इस डायनेस्टी का फाउंडर बोलेंगे, कि जो सईद डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन था, खिरज खान। उसके बाद उसका बेटा है मुबारक शाह सैयद, वो उस डायनेस्टी के ऊपर रूल करने लगा था खिरज खान की डेथ के बाद। मुबारक शाह के बाद में रूल किया था महमूद शाह सैयद ने, जो कि महमूद शाह सैयद है वह सईद डायनेस्टी का पावरफुल राजा हुआ था। और उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर हुआ था। इसके बाद बहलोल जो लोधी था उसने इसकी हत्या करके, जो ये अलाउद्दीन शाह आलम सैयद था वह केवल नाम का ही शासक था, उसका जो ये बहलोल लोधी था यह उसके टाइम में उसका वजीर हुआ करता था, उसका जो बोलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम बोलेंगे वो होता था, कि वही इसकी जो शासन थी जो इसके कोर्ट में जितने भी जो अधिकारी था, कोर्ट था, दरबार था, उसके अंदर जो भी फैसले लिए जाते थे वह बहलोल लोधी ये लेता था। फिर धीरे धीरे जब लोधी ने देखा कि बहलोल लोधी ने ये देखा कि जो ये शाह आलम जो ये अलाउद्दीन आलम शाह लोधी कमज़ोर होता जा रहा है, बहलोल लोधी है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया, और धीरे धीरे जो बहलोल लोधी है उसने जो आलम शाह सैयद है उसको अपने अंडर कर लिया और उसकी हत्या करके एक सैयद डायनेस्टी की जगह का अंत करके उसने लोधी डायनेस्टी को वहाँ पे उसकी स्थापना कर दी। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। फोर्थ ये हमारी जो सैयद डायनेस्टी है ये 4th डायनेस्टी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 एसी के बीच में, जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो लोधी डायनेस्टी का रहा है। इस डायनेस्टी में केवल 4 ही राजाओं ने रूल किया है अलग अलग टाइम पे, वो मैं आपको बता चुके हैं कौन कौन से थे। उसके बाद इसका जो फाउंडर है वो है खिरज खान, और जो सबसे लास्ट रूलर हुआ था वो था अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। इसके बाद आता है लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी, जो बहलोल लोधी ने जो लोधी डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है वो है बहलोल लोधी, जो इसके टाइम पे जो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे ही वहाँ के जो कोर्ट था वहाँ पे उसका काम किया करता था। बस आज के लिए इतना ही, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सैयद डायनेस्टी, कल हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी हुई है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।